हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना, मेरा भी था। अरुण ऑर्डर आने तक हमें निगोशिएट करना होगा। अरुण अरुण वेट अरुण, अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। कितनी बार अरुण ऑर्डर्स चेन ऑफ कमांड कुछ होते हैं कि नहीं? वैसे भी ऐसे बड़े बड़े मिशंस में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती सेनोरिटा। क्या है ना, हिंदुस्तानी सोल्जर्स बहुत सेंटी होते हैं और सिर्फ फिर भी योद्धा नहीं देश के दुश्मन नहीं। इंक्वायरी खत्म होने तक आप सबको सस्पेंड किया जाता है। जच रहा है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है और फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है। कैबिन क्रू स्टेशन्स प्रिपेयरिंग फॉर डिपार्चर। पायलट ने 7500 स्कॉप किया है। इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। खबर आ रही है कि एक भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। मॉन्टेड कमांडो कौन है? संदिग्ध थाई जाकर भारतीय फौजी होने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान से गुजरती हुई एक इंडियन फ्लाइट हाईजैक हुई है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरुण वहां पर क्या चल रहा है? मैंने जो तीन टेररिस्ट के नाम दिए थे उनके बारे में कुछ पता चला। दिस इज AB175 रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग। अरुण कभी चुप बैठने वालों में से था ही नहीं। परिवार से बढ़कर देश सेवा है उसके लिए। आज ना तुम रहोगे ना तुम्हारा देश। मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा। हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं।